नदियां भारत की शान रही है। इनके वजूद ने हमें भोजन से लेकर बिजली तक सब कुछ दिया है। ऐसे कई संसाधन हैं जो हमें नदी से मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी को देखा है जिसमें पानी के साथ सोना बहता है? जी हाँ दोस्तों, नदियों के देश भारत में एक अनोखी नदी ऐसी भी है जो पानी के साथ सोना बहाकर लाती है। कई दशकों से लोग इस नदी से सोना निकालकर मुनाफा कमाते रहे हैं। आज भी इस नदी की तलहटी में लोग सोना खोजने पहुंच जाते हैं। ये नदी कहाँ है और कैसे इससे सोना निकलता है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। बाजार में सोने की कीमत और अहमियत किसी से छिपी नहीं है। लोग शौक से सोना पहनते हैं और खरीदते हैं। बेशक बाजार में बिकने वाला ज्यादातर सोना खदानों से आता है और सोने को ढूंढने के लिए खदानों का सहारा लिया जाता है, लेकिन भारत की स्वर्ण रेखा नदी एक एक्सेप्शन है। इस नदी में लोग मछली पकड़ने से ज्यादा सोना लेने आते हैं। जी हाँ, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहती स्वर्ण रेखा नदी सबसे अनोखी है। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए इस नदी का खास महत्व है, खास इसीलिए क्योंकि ये उन्हें केवल पानी मुहैया नहीं कराती बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनी हुई है। दरअसल दशकों से इस नदी की रेत से सोना निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग रोज सुबह इस नदी में उतरते हैं और रेत छानकर इससे सोना इकट्ठा करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। ये काम कई घरों के लिए रोजगार का साधन है। उनकी कई पीढ़ियों ने इस काम से गुजारा चलाया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों से बहकर निकलने वाली ये नदी असल में 474 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम रांची से 16 किलोमीटर दूर है। नदी से लगे तमर और सरांदा जैसे कुछ खास इलाके हैं जहां सोना निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा दिलचस्प बात है कि स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है जिसमें इसकी तरह ही सोना पाया जाता है। लोग इस नदी को करकरी कहकर बुलाते हैं। करकरी नदी में भी सोना ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी इस नदी से सोना इकट्ठा करने का काम करते हैं। हालांकि नदी में सोना बहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ सोना पानी की तरह बहता है। दरअसल नदी में बहकर आने वाले सोने की मात्रा काफी कम होती है, इतनी कम कि एक आदमी महीने में 60 से 80 सोने के कण ही निकाल पाता है। कई बार तो महीने में 30 सोने के कण निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोग एक कण को बेचकर 80 से 100 रुपए तक कमाई कर पाते हैं। इस हिसाब से एक आदमी की महीने की लगभग 5 से 8 हजार रुपए की कमाई ही होती है। खैर, अब सवाल आता है कि आखिर इस नदी से सोना आता कहाँ से है। भारत में कई नदियाँ ऐसी हैं जो काफी बड़ी और चौड़ी है, जिनमें खनिज, धातुएं और बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी स्वर्ण रेखा नदी की तुलना में बहुत ज्यादा मौजूद है। लेकिन किसी भी नदी में आज तक सोने की धातु मिलने की बात नहीं सुनी, तो फिर इस नदी में ऐसा क्या खास है? आखिर इसके पानी में सोना कैसे मिलता है? जियोलॉजिस्ट की माने तो ये सारा खेल लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का सीधा संबंध उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा है। दरअसल ये नदी अपनी जर्नी में ऐसी कई चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के कण मौजूद होते हैं। ऐसे में जब नदी चट्टानों से टकराती है तो फ्रिक्शन के चलते सोने के टुकड़े पानी में मिल जाते हैं और नदी में बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बताते हैं कि नदी के आसपास की चट्टानों और पत्थरों में मोरंग मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को जब पानी में घोलकर छाना जाता है तो उसमें भी सोने की मात्रा मौजूद होती है। इससे साफ है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। इसी वजह से सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। खैर, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्वर्ण नदी में सोने के कण करकरी नदी से आकर मिलते हैं, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। खैर, स्वर्ण रेखा नदी और उससे निकलने वाले सोने के बारे में तो आप जान गए, लेकिन खदानों से निकलने वाले सोने के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बता दे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी सोने की कई खदानें हैं। खास तौर पर दक्षिण हिस्से में सबसे ज्यादा गोल्ड माइनिंग की जाती है। कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरला राज्य भारत के सबसे बड़े सोना उत्पादक राज्य है। खास तौर पर भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कर्नाटक में स्थित है। ये राज्य भारत के 88.7% सोने के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ कई लाख टन सोने के भंडार है जिन्हें खदानों से निकाला जाता है। सोने की खुदाई के लिए कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय माइंस हुट्टी माइंस रही है। कर्नाटक के रायचूर में मौजूद हुट्टी माइंस कई सदियों से एक्टिव है। इससे सोना निकालने के लिए हर दिन 2000 टन से भी ज्यादा ओर को क्रश किया जाता है। हर एक टन से लगभग 2.6 ग्राम सोना एक्सट्रैक्ट होता है। वैसे बता दे कि खदान से सोने को एक्सट्रैक्ट करने की दो मेथड्स होती है। पहली मेथड में केमिकल के इस्तेमाल से सोने को निकाला जाता है, जबकि दूसरा तरीका क्रशिंग का होता है।
इसमें ओर को क्रश करके सोने को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे प्रेस करके गोल्डन बटन का आकार दिया जाता है। कर्नाटक की हुट्टी माइन से हर साल भारत को कई टन सोना मिलता है। इससे देश को भारी मुनाफा होता है। हुट्टी माइंस के अलावा कर्नाटक की सबसे बड़ी सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड्स है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय सोने की खान है। आपको बता दे कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे गहरी खदानों में भी होती है, लेकिन कई सालों से ये खदान पूरी तरह बंद है। इसके अलावा कर्नाटक में और भी दूसरी खदानें हैं जिसमें इसी प्रक्रिया से सोना बाहर निकाला जाता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। इस राज्य की सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड माइन रामागिरी है। ये गोल्ड माइन अनंतपुर जिले में मौजूद है और इसमें 16 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन दशकों से इस गोल्ड माइन को बंद रखा गया है और सोना निकालने का काम बिसानाटम और पलच्चचूर गोल्ड माइन से किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड भारत का तीसरा गोल्ड प्रोड्यूसर है। वैसे बता दे कि इस राज्य से मिलने वाले सोने की मात्रा कम है, क्योंकि इस राज्य को अपना सोना स्वर्ण रेखा नदी और उसकी सहायक नदी से मिलता है। झारखंड के अलावा भारत के केरल राज्य में भी थोड़ा सोना पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफी कम है। ये सोना पुन्ना पुजा रिवर और छलियार पुजा नदी के पास के इलाकों में मिलता है। तो ये थी भारत की वो नदियाँ और खदानें जिनकी वजह से भारतीय श्रृंगार में सोने की बड़ी अहमियत है। यकीन मानिए, सोने की छोटी सी मात्रा निकालने के लिए भी गोल्ड माइनर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई मजदूर दिन रात सोने की खदानों पर काम करते हैं और तब जाकर जरा सा सोना हाथ आता है। इससे पता चलता है कि भारत में सोने की क्वांटिटी काफी सीमित है और इसीलिए ये काफी महंगा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंडियन गोल्ड से जुड़ी ये अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।